अब आपको एक और गोरक्षक का खुफिया कैमरे पर कबूलनामा सुनवाते हैं। नाम है रवि पुजारी, काम कथित गोरक्षा, जगह पलवल हरियाणा। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्ला और नितिन जैन एक और गोरक्षक रवि पुजारी के पास पहुंचते हैं। अब कथित गोरक्षक रवि पुजारी का गैंग किस तरह से काम करता है, यकीन मानिए खुलासा बहुत बड़ा है। हमारी टीम में फर्क है, हम रात में काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि किसी के घर पर रेड गेम में वहाँ से गाय पहुँच गई, गाड़ी मिली वहाँ से, फिर वो गाय कवर करने से गाय की गाड़ी आई बल्कि हम खड़े हैं यहाँ पे, मनपट्टी पे गाय की गाड़ी क्रॉस होगी, तो जो हमारा बंदा बैठा होगा वहाँ पे तो वो बोलेगा कि ये गाड़ी है जैन, ये नंबर दे देगा और वो पूरी है, हम उस गाड़ी पे कांटा मारेंगे तो वो रुक गई तो ठीक है, नहीं तो फिर गोली मारेंगे। कितनी फायर करनी पड़ती है आप लोगों को? जितना हो गया, अब मेरी जो कंप्लेन है उसमें 8 है, एक बार में बता देते हैं सीधे। गोरक्षक रवि पुजारी का खुलासा नंबर 1, टीम रात को काम करती है, गो ट्रांसपोर्टर के घर पर भी रेड मारते हैं, गो ट्रांसपोर्टर पर गोलियां बरसाते हैं। और अब आगे रवि पुजारी जो कहता है उसे गौर से सुनिएगा। जी हाँ, कथित गोरक्षक रवि पुजारी बताता है कि उसका गैंग अवैध हथियारों की पूरी खेप अपने पास रखता है। लग तो कहीं भी सकती है ना भाई, देखो तीर निकलने के बाद तो वो कहीं भी लगेगा तो भाई खाली कोई लग सकता है, अगर कोई भी लग सकता है, हमें लाइसेंस या हथियारों की जरूरत नहीं। अच्छा, जिस दिन सामना होगा उस दिन अवैध से होगा, लाइसेंस ही आराम से दरगा जाता है। गोरक्षक रवि पुजारी का खुलासा नंबर 2, गो ट्रांसपोर्टर की गाड़ियों पर गोली चलाते हैं, इन्हें लाइसेंसी हथियारों की जरूरत नहीं, अवैध हथियार काफी है। अब आप एक और गोरक्षक से मिलिए, नाम है ठाकुर मनीष, काम गोरक्षा, जगह नू हरियाणा। आज तक के खुफिया कैमरे पर खुलासा होता है कि कैसे वो गो ट्रांसपोर्टर पर अटैक करता है और पब्लिक को भड़काता है। मारपीट भी की थी वो, तो पब्लिक रहे होती है फिर कितना मारा अब उसमें क्या नहीं, मतलब ये हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि क्योंकि आप अगर कुछ होगा तो हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। वो फिलहाल मर चुका है, 6 महीने से हो गए उसको, और 1.5 महीने पहले वो मर भी चुका है। कहाँ पे मारते हैं एक्चुअल में? गया ज्यादातर पेट में हो गया या फिर दिल को बचाते हुए लेफ्ट साइड में, या फिर कंधे वगैरह पे घूम जोड़ जो हिलने डुलने में ज्यादा परेशानी ना हो, कमर पे। ये नहीं है कि मैं अकेला ही मारने वाला था, मतलब जो ग्रुप है, जो पूरा पब्लिक, उस टाइम पे पब्लिक भी आ जाती है, आपको पता है कि अड्डा है, बिघावली अड्डा है 3। गोरक्षक ठाकुर मनीष का खुलासा नंबर 1, गो ट्रांसपोर्टर पर हमला करना, भीड़ को भी हमला करने के लिए उकसाना। कथित गोरक्षक ठाकुर मनीष ने कबूल किया कि कैसे एक गो ट्रांसपोर्टर को उसके गैंग ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अब ठाकुर मनीष हथियारों के बारे में छिपे हुए कैमरे पर बड़ा सच उगलने लगा। क्या क्या चलाते हो? मैंने तो ये दो ही चीज चलाई है। क्या? 315 और शिक्षा। ये दो चीज आप चला लेते हो, ये सब गोरक्षा में ही चला। देखा आपने कैसे हरियाणा में बेखौफ गोरक्षक आज तक के खुफिया कैमरे पर खौफनाक खुलासे कर रहे हैं। लेकिन सच इतना ही नहीं, आगे और भी बाकी है। आगे जो सुनेंगे आप हैरत में पड़ जाएंगे। मोहम्मद हिजबुल्ला के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम आज तक।